लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब एक महीने से भी कम वक्त बचा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कशमकश चल रही है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग 9 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का शेड्यूल और कितने चरणों में हो सकते हैं चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के दलों में रस्साकशी शुरू हो गई है। इसी बीच संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव आयोग 9 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव अधिकारी जानकारियां जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इस बार का चुनावी कैलेंडर साल 2019 की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 में चुनाव आयोग ने 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 7 चरणों में निर्धारित किए गए इस चुनावी कार्यक्रम में वोटिंग का पहला चरण 11 अप्रैल को रखा गया था, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल, चौथा 29 अप्रैल, पांचवा 6 मई, छठा 12 मई और फिर सातवां 19 मई को रखा गया था। इस बार भी इन्हीं तारीखों पर मतदान होने के आसार जताए जा रहे हैं, पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। फिलहाल चुनावी तारीखें चाहे कुछ भी हो, पर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए सभी दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार जनता किसे सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।